रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार की तारीफ कर दी थी, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल सा आ गया था। टीएस सिंहदेव के इस बयान के बाद पार्टी असहज स्थिति में थी, लेकिन इसके बाद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि हमारे प्रदेश में अतिथि संस्कार की परंपरा रही है। एक शासकीय मंच पर प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बातें कही गई थी। उन्होंने कहा, मंच से मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहता था, मेरा वक्तव्य सिर्फ अपने विभाग की मांगों से संबंधित था। बता दें कि इसके पहले रायगढ़ में पीएम मोदी के सरकारी कार्यक्रम में पीएम मोदी की तारीफ सिंहदेव ने कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ के कोड़ा तराई में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे थे। यहीं पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां उन्होंने अपनी बात रखी। पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत सारी चीजें देते रहते हैं और दे रहे हैं। मैंने कभी भेदभाव का अनुभव नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया तो केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। इस बात को लेकर सियासत तेज हो गई थी। तो कुल मिलाकर टीएस सिंहदेव के उस बयान के बाद उनकी अब ये सफाई, क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में आए भूचाल को कम कर पाएगी या नहीं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इसके साथ ही टीएस सिंहदेव के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके वो भी हमारे साथ ज़रूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC 24 के हमारे यूट्यूब चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।